कैबिनेट ने एमएसपी वधाउण दा कीता फैसला। सावणी ते 50% वधाई एमएसपी। सरकार से ज्वार है, रागा रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। केंद्र सरकार वालों जबरन जारी किए गए खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई जिथे किसान दिल्ली दे वख-वख बॉर्डरां ते डटे हुए हैं उथे ही केंद्र सरकार अपने फैसले तो टस तो मस हुंदी नजर नहीं आ रही सी, पर हुण सरकार किसानां वल अपना रुख करदी नजर आ रही है। तुहानू दस दईए कि केंद्र सरकार ने घट्टो घट समर्थन मुल वधाउण दा फैसला कीता है। केंद्रीय मंत्री मंडल ने बुधवार नूं इस नूं मंजूरी दे दित्ती है। जी हाँ, किसानों लिए कुछ राहत भरी खबर आई। केंद्र सरकार वालों एमएसपी वधाउण दा फैसला कीता गया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी साझी की। केंद्रीय मंत्री मंडल ने बुधवार नूं गर्मियां दी बिजाई हुई फसलां ते घट्टो घट समर्थन मुल यानी कि एमएसपी विच वाधे नूं मंजूरी दे दित्ती है। यह ऐलान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवी दिल्ली विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 7 सालों के विच किसानों की भलाई लिए कई फैसले लिए हैं। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि सीजन के विच झोने की खरीद विच 72 रुपए का इजाफा किया गया। साल 2021-22 लिए झोने की एमएसपी 72 रुपए वधा दी गई है, यानी कि हुण 1940 रुपए प्रति क्विंटल का रेट होगा जो पहला 1868 रुपए सी। इस तो इलावा बाजरा की एमएसपी 100 रुपए वधाई गई है जो साल 2020-21 के विच 2150 सी, हुण 2250 कर दी गई है। इसे तरह ही मक्की की एमएसपी 20 रुपए वधाई गई है। लंबे रेशे वाले कपाह की एमएसपी के विच 200 रुपए का वाधा किया गया। अरहर दाल के विच 62% का वाधा। इसे तरह जवाहर रागी सूती के रेट होर वध गए। ऐलान खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर वालों किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मंडल ने मार्केट सेशन 2021-22 लई सावणी दीआं फसलां ते एमएसपी नूं मंजूरी दे दित्ती है। सावणी लई एमएसपी दा औसतन वाधा 50% तों उपर है। खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच इक तों बाद इक फैसले किसानां लई लए गए जिस नाल किसानी की आमदनी विच वाधा होवेगा। उन्होंने कहा कि खेती नूं लाहेवंद सौदा बनाउण लई इह काम कीते जा रहे हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 7 सालों तों किसानों के हित विच फैसले ले रही है, उन्हां दीआं समस्यावां दे हल लई विचार वटांदरे लई हर समय तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रधानगी हेठ हुई मंत्री मंडल की बैठक के विच सावणी दीआं फसलां ते एमएसपी घोषित करन दा फैसला कीता गया। दसनयोग है कि साधारण पद्धर ते झोने की कीमत जो 1868 रुपए प्रति क्विंटल होंदी सी, हुण वधा के 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। क्या आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उसमें विभिन्न निर्णय लिए गए, उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सब लोगों के ध्यान में है कि लगातार यह बात चलती रहती थी कि एमएसपी पर जो लागत आती है उस पर एमएसपी 50% मुनाफा जोड़कर घोषित होनी चाहिए। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है। मैं आपके सामने इसे रखने जा रहा हूँ। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है जो 50% से अधिक है। बाजरा जो 2021 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा, 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागा रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव
निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़ती कला, टाइम टीवी।